गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा से संबंधित पद परिचय के जो बिंदु होते हैं पांच, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय के प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार हमें उसका उत्तर देना है। तो देखिए, जब हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय करते हैं, तो संज्ञा से संबंधित पद परिचय करते हैं तो हमें, आपको पता है, पांच बिंदुओं की जानकारी दी है। सर्वप्रथम संज्ञा के प्रकार, लिंग, संज्ञा का वचन, संज्ञा में निहित कारक, और बिंदु नंबर पांच है क्रिया के साथ पद का संबंध। जब आप संज्ञा से संबंधित पद परिचय देते हो तो आपको पांच बिंदुओं की जानकारी उसमें लिखनी होती है। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार, कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है, फिर लिंग, फिर वचन, कारक और फिर क्रिया के साथ पद का संबंध। तो जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिख दिया, अरविंद बाग में आम खाता है। तो यहां प्रश्न जो आएगा उस तरह से आएगा, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। इस तरीके से आपके सामने प्रश्न आएगा, तो रेखांकित तो अरविंद बाग और आम। प्रस्तुत वाक्य के अंदर सिर्फ तीन पद है जो आपकी संज्ञा है। तो सर्वप्रथम जैसे हमने ले लिया अरविंद, तो आप जब उत्तर दोगे तो सबसे पहले तो जो भी उत्तर क्रमांक होता है अपन को उत्तर क्रमांक लिखना होता है। उसके बाद हम लिखेंगे अरविंद, जिस पद का आप पद परिचय कर रहे हो सबसे पहले उसको लिखो। हमने लिखिए अरविंद, छह नौ बंद करो, फिर लिखेंगे अरविंद पद का पद परिचय। तो ये हमने लिख दिया अरविंद पद का पद परिचय। अब सबसे पहले, जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया है कि संज्ञा का जब आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले आपको संज्ञा के भेद का पता करना है कि ये जो पद है आपका अरविंद, ये संज्ञा का कौन सा भेद है। तो अरविंद क्या है, एक नाम है। किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। और किसी भी व्यक्ति या महिला का जो नाम होता है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित तो होता है। तो सर्वप्रथम हम जो जानकारी देंगे वो किसकी देंगे, प्रकार में क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले बिंदु नंबर एक में व्यक्ति वाचक संज्ञा कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर नंबर दो, बिंदु नंबर दो है आपका लिंग। तो ये जो अरविंद है ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, आपको ये जानकारी देनी है। तो अरविंद खाता है, इसका मतलब यहां ये जो अरविंद है वो पुरुष जाति का है। तो अपन यहां लिखेंगे पुल्लिंग। फिर उसके बाद वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। तो हमें ये पता करना है कि जो अरविंद है वो एक है या एक से अधिक। तो अरविंद जो है वो एक व्यक्ति का नाम है और सिर्फ कितने लोगों का बोध करा रहा है, मात्र एक का ही। अतः अपन यहां देखेंगे एक वचन, ठीक। उसके बाद बिंदु नंबर जो चार है आपका वो है कारक। कारक अर्थात भूमिका, कि वाक्य में प्रयुक्त इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए, संपन्न करने के लिए अरविंद ने किस भूमिका का निर्वाह किया। तो यहां क्रिया हो रही है खाता है, और खाता है क्रिया को करने वाला कौन है,
अरविंद। अतः यहाँ पे अरविंद में आपका हो गया कर्ता कारक। तो ये जो अरविंद है सर्विंद में आपका क्या हुआ? कर्ता कारक। अब हम बताएंगे आपकी क्रिया के साथ पद का संबंध। तो सबसे पहले वाक्य में क्रिया देखो, क्रिया क्या है? खाता है। तो आप छह नौ में देखेंगे खाता है क्रिया, खाता है क्रिया है वाक्य में, तो बोलेंगे खाता है क्रिया। अब हम बता रहे हैं क्रिया का इस पद के साथ संबंध। तो ये जो क्रिया खाता है इसका इस अरविंद के साथ क्या संबंध है? तो खाता है क्रिया का, कल हमने जो वीडियो देखा था उस वीडियो में बताया था कि जो कारक होता है वही उस क्रिया का संबंध होता है, क्योंकि क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। तो खाता है क्रिया का कौन सा कारक आया था? कर्ता। तो अपन यहां लिखेंगे खाता है क्रिया का कर्ता और पूर्णविराम। इस तरह ये हमारे अरविंद पद का क्या हो गया? पद परिचय। अरविंद पद का पद परिचय है। नेक्स्ट अगला जो पद है वो है आपका बाघ। तो अब हम बाघ पद का भी पद परिचय लिखेंगे। तो बाघ पद का जब आप पद परिचय करोगे तो किस तरीके से करेंगे देखिए। हमने यहां लिख लिया बाघ, ठीक। बाघ छह नौ बंद करेंगे, पद का पद परिचय लिखने का तरीका अपना यही रहेगा, सेम इसी प्रकार से अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बाघ की क्या करेंगे? पहचान करेंगे किसके रूप में? प्रकार। भैया संज्ञा तो है आपको पता है, बाघ नाम है, नाम संज्ञा होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आप प्रकार बताओगे कि बाघ जो है वो कौन सी संज्ञा है? एक व्यक्ति का नाम नहीं है, संसार में कोई एक नहीं है, ना ही ये किसी एक होने का बोध करा रहा है, इसलिए साथ में व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं। फिर आपके साथ एक और संज्ञा अपने पास भाववाचक, और भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने ये देखा भाववाचक संज्ञा जो होती है वो महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है। तो यहां हमें पता चले भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं, तो बची कौन सी? तीसरी संज्ञा जो बची हमारी वो है आपकी जाति वाचक संज्ञा। क्यों है जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि बाघ जो शब्द है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद बिंदु नंबर दो है आपका लिंग। तो यहाँ जो बाघ शब्द है जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, स्त्री जाति का, आप किसी भी शब्द के आगे क्रिया लगा के देखिए पता चल जाएगा बाघ में गया कि बाघ में गई, बाघ गया बाघ गई। और अगर यहाँ ये बाघ की जगह होता वाटिका तब तो आप क्या कहते कि भैया ये जो बाघ है वो क्या है आपका? स्त्रीलिंग। लेकिन बाघ है अर्थात यहाँ पे ये जो है आपका क्या है भैया? पुरुषलिंग, क्योंकि इससे इसकी पुरुष जाति होने का बोध हो रहा है। फिर नेक्स्ट बिंदु नंबर दो है आपका, तीन है आपका वचन, और वचन का अर्थ हुआ संख्या। अब आपको ये पता करना है कि ये जो बाघ है वो एक है या एक से अधिक, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं वाक्य में अरविंद बाघ में आम खाता है। कौन खा रहा है? अरविंद। किस में खाता है? बाघ में। तो एक साथ कितने बाघों में रह सकता है? सिर्फ एक ही बाघ में होगा, एक से अधिक बाघों में नहीं खा सकता। पता है ये भी क्या हो गया आपका? एक वचन। फिर आता है नंबर आपका भैया कारक, और कारक की पहचान के लिए अपन ने कह रखा है शब्द के बाद आप चिन्ह देखिए, जो भी चिन्ह आया वो उसी कारक को होता है। तो यहाँ आप सीधी सीधी तरह से पहचान करेंगे चिन्ह आ रहा है आपका में, और में जो चिन्ह होता है वो होता है आपके अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे और पर। तो यहाँ जब में चिन्ह आया इसका मतलब ये हो गया आपका अधिकरण कारक। अब अंतिम जो पद है पांचवा वो है आपका क्रिया के साथ पद का संबंध। तो सबसे पहले तो आपको वाक्य में से क्रिया लिखनी है, तो क्रिया है आपकी खाता है, क्रिया है तो खाता है क्रिया का कौन सा कारक आया था? अधिकरण। तो खाता है क्रिया का अधिकरण, ये इसका क्या हो गया? क्रिया के साथ संबंध होता है, तो अधिकरण का क्रिया के साथ संबंध है, अर्थात ये जो पद है बाघ ये इस क्रिया का मजबूत आधार है, ये हमें यहाँ संबंध में दर्शाना है। आप यहाँ ऐसा न लिख करके ऐसा लिखे खाता है क्रिया का आधार भी लिख सकते हो।
इस तरह से हम वाक्य प्रयोग पद परिचय करेंगे। और इस वाक्य में एक और अंतिम पद है जो संज्ञा पद है आम, हम आम पद का भी पद परिचय करके देखते हैं। आम पद का पद परिचय तो सर्वप्रथम वही बिंदु नंबर एक प्रकार, तीन प्रकार के सामने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आम को हम छू सकते हैं, खा सकते हैं, और किसका नाम है, एक फल का नाम है। जब हमने संज्ञा पढ़ी थी बताया था फलों के जो नाम होते हैं, वनस्पतियों के जो नाम होते हैं, वो आपके किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये फल जो है वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद आप बताओगे लिंग। तो आम शब्द से किस जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए अपन कहेंगे पुरलिंग। अब बात आती किसकी, नंबर तीन वचन अर्थात संख्या की। तो एक बार में एक व्यक्ति कितने आम खाएगा, एक ही आम खाएगा, तो है नहीं चार पांच आम एक साथ उठा के मुंह में डाले, एक ही आम, तो संख्या कितनी हुई एक, इसलिए अपन क्या लिखेंगे एक वचन। उसके बाद नंबर आता है आपके कारक, और हमने कारक की पहचान के लिए क्या कहा था, क्या खाता है आम खाता है। फिर चिन्ह की बात आती है, तो देखो यहां पर चिन्ह नहीं आया, सिर्फ हमारे जो दो कारक ऐसे होते हैं जो बिना चिन्ह के प्रयुक्त होते हैं, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म। तो कर्ता तो हमेशा क्रिया को करने वाला होता है और निचिन्ह के साथ प्रयोग होता है, लेकिन यहां अरविंद के बाद चिन्ह नहीं आया, लेकिन क्रिया को करने वाला कौन है, अरविंद। और उसके बाद एक और कारक है आपका जो है कर्म, वो क्रिया के जस्ट पहले आता है और चिन्ह के बिना भी आता है। तो जब चिन्ह के बिना आता है कर्म, तो आप वहां पर क्या प्रश्न वाचक सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो उस शब्द के स्थान पर जो आपको ये लगता है कि कर्म हो सकता है। तो यहाँ ये जो आम है, इस आम के स्थान पर यदि हम क्या शब्द लगाते हैं तो हमें उत्तर में आम मिलता है। अरविंद बाग में क्या खाता है, आप क्या कहोगे आम खाता है। क्या से हमें उत्तर प्राप्त हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो आम है ये आपका कर्म कारक है। तो कारक हो गया आपका कर्म। अब आप बताओ यहां पे क्रिया का संबंध, तो क्रिया है आपकी खाता है, जैसा कि हम यहां तक तो कॉमन है खाता है, बाकी में से क्रिया देखनी है, उसके बाद फिर क्रिया का ये आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, और उसके बाद जो भी कारक आया है वो कारक आपको संबंध के स्थान पर रखना है। तो खाता है क्रिया का कौन है, कर्म। ये हो गया आपका आम पद का पद परिचय। तो इस तरीके से हम संज्ञा से संबंधित पदों का पद परिचय करते हैं। आज हमने उदाहरण देखे, आप भी और कई उदाहरण है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। तो यहां गांधी जी पद का पद परिचय आपको करना है, आजादी का करना है, और आंदोलन का पद परिचय आपको करना है। जब हम कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इन तीनों पदों का पद परिचय करके बताऊंगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद पद परिचय कीजिए। यदि आपको डाउट हो तो कल का जो वीडियो होगा उसमें हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद।